हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो इट्स द डे 8 ऑफ डेली व्लॉगिंग। सो अभी टाइम हो रहा है 11:40। मैं उठ गई थी 9:30 बजे। उसके बाद मैंने आज करवानी थी टिकट अपनी लखनऊ की, उसी का पंगा पड़ा था। पापा वाज लाइक मैंने भी जाना है। और बाद में जब मैं टिकट कराने लगी तो मुझे लगा सीनियर सिटीजन की अलग से होती है, बट आप जब टिकट करते हो, लाइक अगर आप भी इन फ्यूचर करोगे तो सीनियर सिटीजन की ऐसा नहीं है कि अलग से होती है, उसी टाइम लाइक मैं तत्काल एसी की करवा रही थी। तो मेरी टिकट हुई, उसके बाद एसी की चलेगी, तो अब पापा की टिकट नहीं हुई, स्लीपर की भी नहीं हुई। अब आई एम गोइंग सोलो। मैं करनी है पैकिंग, मे बी हम मार्केट भी जाएं, मे बी, नॉट श्योर। तो चलो दिन की शुरुआत करते हैं। जय माता दी। गुड मॉर्निंग मोमा। मोमा ने लगाई सिर पे मेहंदी। मोमा लाइक डोंट कैप्चर मी। अभी पापा वाज लाइक मैंने भी जाना था। इतने दिनों से हमारे लखनऊ का प्लान, इट्स बीन वन मंथ नहीं 15-20 दिन से पता चल गया था कि इवेंट है। तो प्रेम रावत जी का पब्लिक इवेंट है लखनऊ में संडे को। तो पापा वाज लाइक, पहले पापा बोलते नहीं जाना, अब अचानक से बोले पापा जाना। ओ माय गुडनेस, वाओ, क्या बोल रहे हैं, अब जाना ही जाना है। सम है, मुझे लग रहा है पक्का कश्मीर में स्नोफॉल हो रहा होगा। मार्च के मंथ में स्नोफॉल हो रहा है, डाल देख रहे हो। चलो यार 12 बज गए, थोड़ा सा रेडी होते हैं, जूस बनाते हैं, बीट रूट भी आ गए हैं। जाना ही जाना है, बड़ी जिद्दी क्यों कर रहे हैं, पहले जाना नहीं है, पूरे जाना ही जाना है। तो हुआ है, डैडी को पक्का कुछ सपना सुपना आया है, मैं रह गया, सारे चले गए। ब्रश करते भी है सो लेट, 12 बज गए आज, 12 बजे ब्रश हो रहा है भाई, यार पानी तो पिया ही नहीं आज। फाइनली पापा ने ट्रेन कराई ली, पापा जा रहे हैं जम्मू मेल में। पापा मम्मा सुबह पहले निकलेंगे कल 9 बजे, फिर मैं निकलूंगी 2 बजे, पापा निकलेंगे 4 बजे। स्टेशन के पास ही होगा, स्टेशन के पास तो नहीं है। तो 12 बज गए हैं, अब देखते हैं। बीट रूट जूस मैंने पूरे मोहल्ले के लिए बनाना है, क्या देखना, इतना बड़ा लिया है, अब इसको काट के रख देंगे, खराब हो जाएगा फ्रिज में। अच्छा हाँ ये है ना, बीटरूट जूस आफ्टर एजेस। माऊ कहाँ है, सच में कहाँ है माऊ आज? गुड मॉर्निंग नहीं की माऊ ने, स्ट्रगल। हाँ बारिश पड़ रही, मौसम पता कितना सही हो गया। मक्खन मम्मा बना रहे हैं, मक्खन हमारे घर में जो घी बनता घर पे ही बनता। चीयर्स। तो आज तो मतलब अलग ही व्यू के साथ बीटरूट आज चल रहा है। अब व्यू देख रहे हो, हिमाचल से भी सुंदर है मेरा रूम को, समझ रहा। मैंने लखनऊ की पैकिंग कर ली है, एक ये मैंने डाला है, एक मैंने डाला है मंडे के लिए, और एक मैंने डाला है जो इवेंट में डालूंगी कुर्ता। तो मैं लखनऊ में जा रही हूँ तो थोड़ा लखनवी कुर्ता डालूंगी, इवेंट में तो अच्छा लगेगा। ब्लैक वाला मैंने ऑलरेडी रील्स पे डाला हुआ है, अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे भी कर लो। तो जल्दी से इसको बैग को पैक कर लेते हैं, क्यूब में एटलीस्ट सही रहेगा। ये वाला एक छोटा सा बैग लेके जा रही हूँ बस, इसके पास थी ना ये वाले इयररिंग्स डाल लिए मैंने, एक दो और डाले थे छोटे। क्या कर रही है, देखना अपना कैट फूड खुद ही खा रही है। क्या किया तूने, चोर बन रही है। ये कब से सीखा तूने चोरी करना, तो आजकल माऊ माऊ नहीं करती। नहीं इधर आ, चोरी करती है, इधर आ, चोर जैसी चोर बनती जा रही है, एक थप्पड़ तो तू डिजर्व करती है, इधर आ, चोर बनती जा रही है। बैग, दो इयररिंग्स, छोटे छोटे वाले रबड़, बस दिस इज माय ज्वेलरी बॉक्स। सबका सामान है छोटा मोटा पड़ा हुआ, थोड़ी यही ले लेती हूँ। इसमें मैंने डाली थी थोड़ी सी फाउंडेशन, ये डाल लेती हूँ, एक मस्कारा, टिंट, ये सब। जिसमें मैंने मिरर भी डाल दिया छोटा सा, कॉम्ब, बस स्क्रीन, ये सब हो गया, एक ये हो गया आई थिंक। स्क्रीन भी रख लेते हैं क्योंकि लखनऊ में तो बहुत ही गर्मी होने वाली है। इंपॉर्टेंट होता है हैंड वॉश, लेकिन मैं ये लेके नहीं जा रही क्योंकि ये लीक करता है सोप। पैकिंग तो हो गई है, अब बचा है हैंड वॉश, वो हम ले लेंगे, तो वी आर गुड। अब मुझे मार्केट वाला काम करना है, और क्या करना है, तो हो गया। और हाँ व्लॉगिंग, व्लॉग एडिट करना है।
हो चुका है पैक। ये यार आज बज गए 2। मैं सो रही हूँ, पहले खाना ही खा लेती हूँ यार, उसके बाद मेरे को वैक्सिंग के लिए जाना था यार। चपाती, आलू एंड ये क्या है, सोयाबीन। मुझे सोयाबीन बिल्कुल नहीं पसंद, बट हाँ इट्स वेरी हेल्दी, लाइक खानी चाहिए आपको। बर्तन हो गए साफ, खाना भी खा लिया, अब जाके पूछ के आते हैं। मुझे आई एम नॉट श्योर, फोन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, मैं बोलती हूँ आई एम नॉट श्योर कि वो वैक्सिंग करती है कि नहीं, क्योंकि वो मोहल्ले में ही शॉप है, अगर नहीं करती होगी तो मार्केट जाना पड़ेगा। लेट्स जाके पूछ के आते हैं। गाइस पैकिंग क्या, कोलगेट लानी है और मैंने अपने लिए हैंड वॉश भी लाना है, वो मिलेगा ही नहीं, बाजार थोड़ी जा रही हूँ मैं, पहले इससे पूछ के आती हूँ ना मोहल्ले वाले से। यार बस काम हो जाए यार, वरना मार्केट जाना पड़ेगा। इस लाइन में चप्पल डाल के आ गई, इधर इतनी बुरी हालत, गली की हालत देख, बंद है, मेरे को लगा बंद है। लेट्स सी, हाँ कोई बात नहीं, थैंक यू, लग ही रहा था मुझे। नहीं रखिए भाई, अब मार्केट कौन जाएगा। देखो हर जगह रहने के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस होते हैं, अब मैं रहती हूँ बिल्कुल, मतलब मेरा जो एरिया है वो ऐसा है कि पहाड़ पहाड़ और वो सब, लेकिन जब कहीं शॉप्स पे जाना हो तो यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है, लाइक यू हैव टू गो टू द मार्केट। और अगर आप सिटी वाले एरियाज़ में रहते हो तो आपको ऐसे व्यूज़ नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है ज़्यादा ज़्यादा रहना कहाँ पे बेटर होता है, सिटीज़ वाले एरिया में रहना या थोड़ा साइड पे चिल वाले? मुझे तो वैसे ये चिल वाला ऑब्वियसली, मुझे तो ऑब्वियसली जहाँ पे मैं रहती हूँ कि हाँ जो पे माउंटेन वाउंटेन जो ज़्यादा बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू सिटी। आप बताओ कमेंट सेक्शन में क्या सही है। माँ कपड़े ब्रश कर रहे हैं, तू भी लाना अपना ब्रश कर। मेरा कुछ नहीं है, जब मैंने निकाल दिया ना फिर वो कुछ और डाल दिया। बाजार जाना पड़ेगा यार, मैं खुंदक जड़ रही है यार, चेंज करना पड़ेगा। चलो आई एम रेडी। तो फोन की बैटरी नहीं थी चार्ज पे लगा रहा था, 30% हुआ है, तो थोड़ा सा ही ब्लॉक कर लूंगी। कल भिंडी बना दूंगी, तेरे काम आ जाएगी, डैडी के काम आएगी। कहाँ से लानी है भिंडी और घिया? तू कहाँ जा रही है? बाजार। बाजार में एक ही काम करना, एक काम कर तू, बिल्लम बोली में एक नई दुकान खुली, बिल्लम बोली जाना ही नहीं था, फिर उधर से आ जाऊंगी तो देख लूंगी, ले आऊंगी अगर भिंडी की है टमाटर, अगर मिला तो मिला, नहीं तो नहीं। 100 रुपए में आ जाएगा सर भाई। मैं और मेरी मारुति अक्सर ये बातें किया करते हैं कि हमारे पास किया होती तो हमारी डैल होती, लेकिन हमारे पास नेक्सन है, लेकिन फिर भी हम मारुति में जा रहे हैं। बहुत ही घटिया जोक मारा है मैंने, चलो अब चले। यार गाड़ी ना बजी थोड़ी सी, बजी क्या मतलब कुछ नहीं हुआ, ऑलरेडी टूटी है, उसके साथ आवाज हुई, मेरे को लगा गई। तो भाई जी बहुत ही मस्त हो गया, देखो वाह ब्यूटीफुल स्टफ। चलो यार मार्केट तो पहुंच गए, रश नहीं होना चाहिए बस। फाइनली काम खत्म हुआ, 200 रुपीज फॉर आर्म्स एंड अंडर आर्म्स, 200 रुपए लिया नॉर्मल वैक्स का। बोलते चॉकलेट वैक्स कर दूँ 800 रुपीज की, रीका कर दूँ 400 रुपए की, मैंने बोला पैसे पेड़ पे तो नहीं लगे, नॉर्मली करो। माँ का फ़ोन आया था, पापा के लिए हैंकी ले आना, ये सब तो सब्जी और वो सब काम करते हैं, देन चलते हैं घर। अच्छे अच्छे डालना, ठीक है। टमाटर 30 रुपीज के जी, भिंडी 80 रुपीज के जी, ये किया 40 रुपए किलो, 110 रुपए की सब्जी। पापा के लिए हैंकी लेना, लेकिन मेरे पास कैश ही नहीं बचा, कार्ड भी नहीं लाई, मैं सोचा था कैश निकाल लूंगी, कार्ड ही नहीं लेके आई, इतनी इंटेलिजेंट क्यों हूँ मैं। पापा के लिए हैंकी लेना है, तो भाई चुप कर जा, बारिश नहीं पड़ रही, लेकिन पैसे तो नहीं है मेरे पास। दुकान पे जाना पड़ेगा जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट होती हो। एक हैंकी दे देना, ये ठीक है, 20 रुपए इसमें कलर दूसरा दे दो, 40 का बोल रहे, थोड़ा बेटर होता है, मलाई पता नहीं क्या, ये ले लेते हैं। यार हैंड वॉश मैंने 3-4 शॉप से पूछे, छोटा ट्रैवल वाला मिल ही नहीं रहा, चलो कहीं और से देख लो। रुकी थी पर यहाँ पे भी नहीं है, एक शॉप थी वहाँ पे पूछने गई थी, यहाँ पे आंटी कुलचे बेच रही।
लाइक जम्मू में ना बहुत ही कम होता है कि लाइक कुलचे बेचना या कुछ बाहर का कुछ काम करना, लेडीज बहुत कम करती है। पर अच्छा लगा यार मुझे देख के कि जम्मू में भी ऐसा हो रहा है। और सारी दुकानें बंद है भाई, नहीं मिला यार मुझे मेरा, बाकी पापा से मंगा लो अपना सामान, सब कुछ पकड़ो। आपका सारा मिल गया, मेरा नहीं मिला। छोटा सा हैंड वॉश चाहिए था, वो नहीं मिला। लंच दे दो। क्या कर रहे थे आप कब से? 3:40 हो गए। कान का क्या? कान का यही गुम हो गया। एयरिंग गुम हो गया सोने वाला है? मिला? मिल गया ना? क्या करते हो यार, चुंदरी मुंदरी चुंदरी मुंदरी होगा कुकरू, चुंदरी मुंदरी आ गया तू मेरा। चुप कर, बाय माँ बेटो। अरे है पक्की तो बंदी, पक्की तो बंदी। हो गया 5:40 और लॉग इन कर लिया मैं। कब से ट्रैवल व्लॉग एडिट कर रही थी, अब लॉग इन का टाइम आ गया तो ऑफिस का काम करूंगी अभी, उसके बाद एडिटिंग करूंगी, ट्रैवल व्लॉग एडिट करूंगी। ट्रैवल व्लॉग 30 मिनट्स का, उसको 15 या 18 मिनट्स का तो होने वाला है ये, क्योंकि बाना हिल्स का है। इट विल बी सो गुड, लाइक गोल्डन ब्रिज वाला व्लॉग है, बहुत मजा आएगा आपको देखने का, पूरा देखना एंड तक देखना, संडे को ये लाइव चला जाएगा। तो अभी ऑफिस करते, लंच भी नहीं किया। मम्मा प्लीज खाने के लिए दे दो कुछ। दिया मम्मा ने, मम्मा मैं अचार नहीं खाती हूँ, पता नहीं है आपको? हाँ बंद कर दिया मानो से, अचार निकाल दो भाई। मैं पिछले आधे घंटे से, मेरे को लग रहा था टाइम लैप्स ऑन है, मैं खाना खा रही थी, टाइम लैप्स ऑन ही लॉल। अचार मम्मा ले गए थे, मैंने नहीं खाया। और इसमें ना प्रकू ने स्नेक, ऑक्टोपस, फ्रॉग सब कुछ ट्राई किया है, तो मम्मा बस लाइक रिएक्शन है कि इसने कैसे खाया। संडे वाला व्लॉग बहुत ही फन होने वाला, वो पता भी है पर वो होते, वो खा सकते हैं यार। फिर भी क्या मम्मा, हम चुप करो, मेंढक कोई मेंढक थोड़ी पड़ा था, उसको फ्राई किया था पूरा। तो क्या मैं ही पीते जाऊं? पिया कल एक ग्लास पिया बस, दो तीन तो पी लिया कल दिन में, एक बार शाम। अच्छा इतना दूध नहीं पीती हूँ मैं भाई, घर वाले जबरदस्ती दूध पिला रहे क्योंकि भैया घर पे नहीं है, तो भैया के हिस्से का भी मैं ही पी रही हूँ, देख रहा है भैया तो। सो टाइम हो गया 9 और अभी तक मेरी एडिटिंग नहीं हुई है। मम्मा ने मुझे खाना दिया था, ठीक है, खाना बड़ा है, सैलेड बड़ा है, आगे पीछे सब कुछ बड़ा है। उसके बाद मम्मा ने मुझे खीर भी दी थी, कुछ भी नहीं खाया मैंने, एडिटिंग ही कर रही हूँ, मेरी एडिटिंग ही खत्म नहीं हो रही अभी। मुझे लग रहा है ये खाना लेके मुझे बाहर जाके आराम से खाना चाहिए, ठंडा हो चुका है। ऐसे करो डैडी, नहीं खाने देना हमको खाना। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, अभी मैं बहुत ही हेक्टिक हूँ, अभी मेरा दिन वैसे खत्म नहीं हुआ पर ये व्लॉग खत्म करूंगी। मेरा दिन तो शायद 3 बजे खत्म होगा, ये वाला व्लॉग एडिट करके, वो वाला व्लॉग एडिट करके, बहुत सारे व्लॉग्स एडिट करके दिन खत्म होगा। और होपफुली मंडे को व्लॉग आए, होपफुली अगर नहीं आया तो समझ आना कि नेटवर्क इशू की वजह से नहीं आ पाया। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मेरी दिल्ली में होंगी, ट्यूसडे को मैं आके व्लॉग डाल दूंगी। तो ठीक है, संडे को जो व्लॉग आएगा वो पक्का देखना, उसको एडिट करने के लिए मेरे अच्छे प्लीज़ संडे वाला व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना, 20 मिनट का होगा, बहुत मज़ा आएगा उसमें, बहुत फन होने वाला है उसमें, मैं रोई भी हूँ हंसी भी हूँ, बहुत सही व्लॉग है, ज़रूर देखना और कमेंट करना। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको ट्यूसडे या मंडे, बाय।